ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शांत मन, निरोगी शरीर, लचीली बुद्धि, जागृत चेतना और संपूर्ण लक्ष्य पाने के लिए विचार नियम का उपयोग समझदारी से करें, जागृति में करें। अकंप मन जो हर घटना में बिना कांपे कार्य कर सके, ऐसा मन, ऐसी निरोगी काया, विवेक बुद्धि, होश, जीवन का उद्देश्य, लोग यह नहीं जानते कि हमारे विचारों से शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे अपने भीतर अनजाने में नकारात्मक विचार करते रहते हैं और जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे विश्वास में बदल जाते हैं। विश्वास हकीकत में बदल जाता है। अगर कोई हर रोज मैं स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं दोहराए, कई बार मन में दोहराते रहे, तो उसके अवचेतन मन में, अंतर मन को यह विश्वास हो जाएगा कि यह इंसान स्वस्थ है या स्वस्थ हो रहा है। जब अंतर्मन कोई बात मान लेता है तब उसका परिणाम हमें अपने जीवन में तुरंत दिखाई देने लगता है। अवचेतन मन के इस गुण को, सबकॉन्शियस माइंड के इस गुण को जानकर आप स्वास्थ्य, सुख, प्रेम, भरपूरता, समृद्धि, आनंद, संतुष्टि, चुस्ती पा सकते हैं। आज ही अपना नया वैचारिक ढांचा तैयार करें। विचार नियम की समझ पाकर नया वैचारिक ढांचा जिसमें प्रेम, स्वास्थ्य, समय और आनंद भरपूर हो, इस नए सकारात्मक वैचारिक ढांचे को तब तक हर दिन दोहराते रहें जब तक आपका अवचेतन मन वह बात मान नहीं लेता। इसलिए हर दिन यह स्वीकार वाक्य दोहराएं, मैं अपने आप को जैसा भी हूं खुशी से स्वीकार करता हूं।
अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मुझे दिव्य योजना पर पूरा भरोसा है। दिव्य तरंग के मेल सुरमेल में हूं। मैं दिव्य तरंग के तालमेल में हूं। मैं नई जिम्मेदारी ले सकता हूं। नई जिम्मेदारी का साहस कुदरत मुझे प्रदान कर रही है। भरपूरता का नियम मेरे जीवन में काम कर रहा है। सकारात्मक विचारों को दोहराना आवश्यक है। अतः हर रोग के इलाज के लिए ये विचार विश्वास व प्रेम से दोहराएं। जो विचार आपको बताए जा रहे हैं उन्हें विश्वास प्रेम ताल में दोहराएं। खुद को कहें, मैंने विचार नियम का जादू जान लिया है, इसलिए अब मैं ठीक हो रहा हूं। मैं ठीक हो रही हूं। मेरी जो भी तकलीफें हैं वे जल्दी ठीक होने लगी हैं। मेरे जीवन में दिव्य योजना अनुसार सब कुछ अच्छा और सही घट रहा है। सब कुछ अच्छा और सही तरीके से हो रहा है। यह दोहराते रहें बीच बीच में जब याद आए। हर क्षण और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। प्रेम से दोहराएं, हर क्षण और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। या मैं ईश्वर की संतान हूं, इसलिए कोई बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं ईश्वर की संतान हूं, स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आप में गलत आदतें नहीं हैं तो शांत भाव से अपने साथ यह विचार करें कि मेरे अंदर कौन से अयोग्य विचार चल रहे हैं जिन्होंने आरोग्य में बाधा डाली है। जब हमारे रोग का कोई शारीरिक कारण नहीं है तब हमारे अयोग्य विचार ही दोषी होते हैं। इसलिए खुद से कहें, जिस गलत विश्वास ने यह स्थिति या यह बीमारी उत्पन्न की है मैं उस गलत विश्वास उस गलत मान्यता को छोड़ने को तैयार हूं। अब मैं आजाद हूं, स्वस्थ हूं, खुश हूं, खुशी हूं।
इस शुभेच्छा यानी स्वास्थ्य के विचार को बार बार दोहराएं। और रोग मुक्ति की घोषणा एक बार फिर से करें, अब मैं आजाद हूं, मुक्त हूं। आई एम फ्री, आई एम फ्रीडम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। जब कभी भी जरूरत महसूस हो तो कुछ शुभ विचारों को चुनकर दोहराना चाहिए, जैसे कि मैं अपने नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर शांत हो गया हूं, शांत हो रहा हूं। यह हो रहा है, मैं जीवन में विश्वास रखता हूं, मैं जीवन में विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं सदा सुरक्षित और आनंदित हूं। मैं शांत हूं, महत्वपूर्ण हूं। जैसे सभी अपना अपना महत्व रखते हैं, मैं भी महत्वपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। मैं खुद को प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं। मैं खुद को प्यार, स्वीकार और क्षमा करता हूं। मुझे ताजगी महसूस हो रही है। मुझे प्रेम पूर्वक अपने शरीर, दिमाग तथा सभी अंगों की देखभाल करना पसंद है। मुझे ताजगी महसूस हो रही है। मैं जीवन के आनंद को खुलकर अभिव्यक्त कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में हमेशा सही काम समय पर हो रहे हैं। यह मेरा विश्वास है। मेरे जीवन में हमेशा सही काम समय पर होते हैं। मैं चैतन्य हूं। मैं मजे से, खुशी से जीवन के हर अनुभव के साथ बह रहा हूं। ज्ञान की धारा में, ज्ञान गंगा में सब ठीक ठाक पहले से बेहतर हो चला है। अंत में तपर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल
अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।